यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और सपा बसपा की हवा फुस करने के लिए पूर्वी यूपी की कांग्रेस की चीफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबरदस्त तैयारी की है। इस गुपचुप तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है ईस्ट यूपी के चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है जिसकी भनक लगते ही बीजेपी के होश फाकता है तो मायावती और अखिलेश यादव पानी मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन का ऐलान करते हुए जिस सपा बसपा ने कांग्रेस को बिरयानी के तेज पत्ते की तरह निकाल फेंका था, आज परेशान है कि ये क्या हो रहा है। ये खबर पक्की है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और अब तक वोट कटवा की राजनीति करने वाले महान दल ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर सपा बसपा के जातिगत समीकरणों पर सीधा डाका डाला है। ये सच है कि कभी अजीत सिंह राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ी पहचान हुआ करते थे। आयाराम गयाराम की राजनीति और सत्ता की लालच में उनकी पार्टी पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक सिमट कर रह गई। फिर भी जाट वोट बैंक पर आज भी उनकी अच्छी पकड़ है। इस तरह से महान दल का असर मौर्य, शाक्या, कुशवाहा, सैनी आदि जातियों पर है। महान दल से गठबंधन का ऐलान हो चुका है, अजीत सिंह से होना बाकी है। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने यूपी में 10 और राजस्थान में एक सीट का ऑफर दिया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। सपा बसपा से भी बात चल रही है, यानी जयंत भी अपने पिता की तरह सौदेबाजी की सियासत पर आमादा है। डील समाजवादी पार्टी से अलग हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव से भी हो रही है। शिवपाल ने लखनऊ में प्रियंका से मिलने का समय मांगा था, लेकिन प्रियंका ने टाल दिया था। ऐसी खबरें छन के आ रही हैं कि दिल्ली में शिवपाल के साथ प्रियंका के नुमाइंदों की बात हो चुकी। शिवपाल ने 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन प्रियंका ने 20 सीटों का ऑफर दिया था। ना नुकुर की इस राजनीति में ये डील भी पक्की मानी जा सकती। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएगी। साथ ही चुनावी मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम या अग्नि बनाम पिछड़ी होने पर भी बीजेपी फायदे में रहेगी। उसे जितना नुकसान होने का खतरा था वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी के मुसलमान और दलित पिछड़े सपा बसपा के बजाय कांग्रेस को तरजीह देना ज्यादा पसंद करते हैं। आकाश शुक्ल, लखनऊ।